नाजरीन खैरपुर में महकमा बिल्डिंग और महकमा इरीगेशन के सैकड़ों मुलाजमीन ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए दफातर की तालाबंदी करके दफातर के अहाते में अलग अलग एहतजाजी मुजाहरे किए और धरने दिए और सख्त नारेबाजी भी की। इस सिलसिले में इरीगेशन वेस्ट के सैकड़ों मुलाजमीन ने सनकोटा न मिलने, नहरों की सफाई न होने, मुलाजमीन के गैरकानूनी मुकर्ररियों और दीगर मुतालबात मनवाने के लिए इरीगेशन दफ्तर के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। मुजाहरे और धरने की कयादत खादिम शेख फकीर इकबाल उजन, अली हसन भट्टी, मुख्तियार अहमद मंगरियो, बाग अली कांदड़ो, अली मोहम्मद गुलशेर मरी और दीगर कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहरीन ने सहाफ़ियों को बताया कि इंजीनियर तारक जब से मुकर्रर हुआ है तब से मुलाजमीन से ज्यादतियाँ बढ़ गई हैं और मुलाजमीन मसाइल का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इरीगेशन वेस्ट के इंजीनियर को फौरी हटाकर मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएँ, दूसरी सूरत में मरते दम तक वो एहतजाजी कैंप और मुजाहरा जारी रखेंगे। दरियसना महकमा बिल्डिंग डिवीज़न के सैकड़ों मुलाजमीन ने हेड क्लार्क अब्दुल जब्बार शाह के जानिब से बिल्डिंग के इंजीनियर समेत दीगर मुलाजमीन पर FIR दाखिल कराने और दीगर ज्यादतियों के खिलाफ ऑफिस की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क्यादत निसार हुसैन मीरजत, हाजी खान अब्बासी, इम्तियाज़ हुसैन सिमंग, मोहम्मद यासिन अबड़ो, रहमतुल्लाह मुमताज़ हुसैन और दीगर कर रहे थे। मुजाहरीन के कायदीन ने अपनी तकरीरों में कहा कि क्लार्क अब्दुल जब्बार शाह मुलाजमीन की मुकर्ररियों और बदलियों पर ब्लैकमेल कर रहा है और झूठे मुकदमा दर्ज करा के हिरासा कर रहा है। उन्होंने वजीर आजम, वजीर आला और महकमा बिल्डिंग की आला अख्तियारियों से मुतालबा किया कि ब्लैकमेलर और करप्ट क्लार्क सैयद जब्बार शाह के खिलाफ इंक्वायरी करके कार्रवाई की जाए और दर्ज झूठे मुकदमा खत्म किए जाए, दूसरी सूरत में पुरअमन एहतजाज और दफातर की तालाबंदी का सिलसिला जारी रखा जाएगा। For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.